You all are welcome to our Alka online classes with the Lit School at Home and with our TMIS home-based education. Today we are going to teach you our unit 2, day 9. Everyone open your worksheet WS15. Open your workbook. उसमें जाके WS15 open करिए. Word families. मैं आपको word families explain करूंगी. Okay? Question 1. Circle the pictures from the same word family as the first one in the box. मैंने previous classes में आपको बहुत बार explain किया है कि हमें same word family कैसे find out करना है. जैसे कि अगर हमारे पास एक word है, जैसे कि this picture is there and the word is jug, तो उसमें हमें middle sound देखना है और end sound देखना है. और जो भी middle और end sound सेम वर्ड है उस पे हमें सर्कल आउट करना है. देखिए यहाँ पे जे यू जी जग, तो यू एन जी इज अग, तो यहाँ पे अग वर्ड फैमिली कौन है? बग, हॉप, पॉट. तो नाउ यू आर गेटिंग कि कौन सा लेटर सेम है, कहाँ पे कौन से पिक्चर में सेम वर्ड फैमिली है. इट्स बग, तो बग पे सर्कल करिए. रेस्ट ऑफ द बी एन सी आपको करना है. सिर्फ मैं वर्ड्स बोल रही हूँ. डॉट, पिक्चर में कौन सा वर्ड फैमिली में स्पेलिंग है? डॉट. मिडल सम और एंड सम को देखिए एंड फाइंड आउट. बर्ड, हॉट, मॉ, होप, कॉप, मग, हग. अंडरस्टूड? आई विल शो यू आंसर्स आफ्टर वर्ड्स. उसी में ही क्वेश्चन 2 है, क्रॉस आउट द ऑड वर्ड. अभी यहाँ पे जो ऑड वर्ड है उसको आपको क्रॉस करना है. कैन यू सी इन ए देयर आर 4 पिक्चर्स. चार पिक्चर है, उसमें नीचे स्पेलिंग और उसके मिडिल सम और एंड सम को चेक करिए. हॉट, मग, कॉट, डॉट. तो व्हिच वन इज द ऑड सम ऑड वर्ड फैमिली? इट्स मग. तो मग पे राउंड करिए, क्रॉस करिए मग पे. सेम वे डू बी एंड सी बाय योर ओन सेल्फ, आपको खुद करना है. ओके चिल्ड्रेन, WS16 होल वर्ड्स. दिस इज माय सेकंड टॉपिक, होल वर्ड्स. आप सबको पता है व्हाट इज होल वर्ड्स चिल्ड्रेन, मैंने आप सबको सिखाया है. टुडे वी विल डू दिस एक्टिविटी ऑफ होल वर्ड्स आल्सो बच्चा. नाउ सर्कल द होल वर्ड्स यू हियर. यहाँ पे जो मैं होल वर्ड्स बोलती हूँ वो आपको सर्कल करने हैं. चलिए, माय फर्स्ट स्पेलिंग इज मे. मे सर्कल इन मेड पे, कहाँ पे सर्कल करोगे? मे, दिस मे आपको ढूंढना है और सर्कल करना है. माय सेकेंड होल वर्ड इज अबाउट. अबाउट, अबाउट कहाँ पे है बच्चा? यहाँ पे अबाउट को ढूंढो एंड सर्कल इट. ओके, नाउ थर्ड होल वर्ड इज एनी वेयर. एनी वेयर फाइंड आउट एनी वेयर कहाँ पे है और सर्कल करिए. नाउ नेक्स्ट इज अंडर. अंडर, अंडर फाइंड आउट करिए अंडर. एंड देन नेक्स्ट पीपल. पीपल, ओके. नाउ बेरीज. बेरीज, ओके. एंड माय लास्ट होल वर्ड इज वॉस. वॉस आपको ढूंढना है और सर्कल करना है. इसी के रिलेटेड सेंटेंसेस भी है दैट आई विल शो यू इन माय गूगल मीट. ओके चिल्ड्रेन, चेक योर आंसर. इस वर्ब हॉट, कॉप, मग, पॉट, बर्ड एंड सर्कल द आंसर. मेड होल वर्ड्स देखिए, मेड, अबाउट, एनीवेयर, अंडर, पीपल, बेरीज, वॉस, सर्कल करिए उसको. नाउ चिल्ड्रेन ओपन योर SR9. आपको क्या ओपन करना है? SR9. और इसको आपको इंडिपेंडेंटली रीड करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था. अभी आपको घर पे उसका रीडिंग करना है, खुद करना है.
लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार करा रही हूँ ताकि आप घर पे फिंगर रखे रीड कर पाओ। ओके चलिए, स्कूल्स इन इंडिया, ऑथर साक्षी भाटिया, इलस्ट्रेशंस प्रदीप पन्हा। वी सॉ मैनी टीचर्स टुडे, वी सॉ डिफरेंट स्कूल्स, वी सॉ अ स्कूल ऑन अ ट्रेन प्लेटफॉर्म, वी सॉ चिल्ड्रेन डांसिंग एंड सिंगिंग देयर। We saw a floating school. We saw children going there in boats. We saw a school under a bridge. Children were learning from the boats. We saw so many schools. We saw that we can study anywhere, in a classroom and outside too. Vocabulary words: singing, board, outside, classroom, children, bridge. Okay children, now I'm going to ask you some question related to this story, Schools in India. What were the children doing at the school on a train platform? Train platform पे children क्या कर रहे थे? They were singing and dancing. My second question: What were the children doing under the bridge? जो bridge के नीचे school थी, वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे थे? Answer: They were learning from the walls. वो दीवार के ऊपर लिखे गए शब्द से लर्न कर रहे थे। My question 3, where was the floating school? Floating school कहाँ पे थी? Answer, it was in water. वो water पे थी। Okay, my last question, have you studied outside the class? मैं आपको पूछ रही हूँ, क्या कभी आपने क्लासरूम के बाहर जाके पढ़ाई की है? सोचिए एंड आंसर मी इन गूगल। ओके नाउ चिल्ड्रेन, आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन टॉपिक दैट इज कॉल्ड रीटेलिंग ऑफ द इवेंट्स। आपको ये सारे टीचर्स जो है बेटा, ये स्टोरीज के सारे टीचर्स, देखिए इसको ऑब्जर्व करना है, ये स्टोरी आपको रीडिंग करनी है, फिर आप बोल सकते हो। देखो पहले ऑब्जर्व करिए सारे टीचर्स, रीड भी करिए बेटा। ओके और इसी स्टोरी को आप आपकी मम्मा को, आपके दोस्त को, आपके दादा दादी को बोल सकते हो और आपके वर्ड्स में भी बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड रीटेलिंग ऑफ द इवेंट्स, रीटेलिंग ऑफ द स्टोरी। जैसे कि मम्मा, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में हो मेरे साथ, अगर मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ तो आप घर पे जाके आपकी मम्मा को बताते हो कि मम्मा आज मेरी मैम ने मुझे ये स्टोरी सुनाई और उसके पिक्चर्स भी दिखाए, तो हमारी स्टोरी में ऐसा ऐसा था, एक ऐसी भी स्कूल थी जो पानी में थी, बच्चे बोट में बैठ के जा रहे थे। यस और नो, लाइक दिस वे, दिस इज कॉल्ड रीटेलिंग, वापस स्टोरी को बोलना, रीटेल करना। ओके चिल्ड्रेन, नाउ कम हियर, दिस इज सिक्वेंसिंग। आप सबको बताया कि व्हाट इज सिक्वेंसिंग, नंबर द पिक्चर्स एज पर द सिक्वेंस इन द स्टोरी। आपको देखो ये स्टोरी के पिक्चर्स दिए गए हैं, आपकी एसआर बुक ओपन करिए, सारे पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और फिर उसको नंबर दीजिए। ओके इस स्टोरी में सबसे पहला पिक्चर कौन, किसका बताया गया है, सेकेंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे विच पिक्चर एंड फोर्थ नंबर पे विच पिक्चर। थिंक, सी द पिक्चर एंड पुट द नंबर्स 1, 2, 3, 4। हियर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो मैंने करेक्ट सीक्वेंस किया, नंबर वन टीचर इन क्लासरूम, नंबर टू ऑन द ट्रेन प्लेटफॉर्म, नंबर थ्री फ्लोटिंग स्कूल एंड नंबर फोर अंडर द ब्रिज पिक्चर। ओके नाउ
children, I'm going to conduct. जैसे कि मैंने आपको पहले phonics सिखाया, फिर हमने whole words पे circles किए, फिर मैंने reading listening comprehension, यानी आपको story को read करवाया, उसको read that करवाया, और उसके teachers को sequencing करवाया. This is my fourth topic and that is grammar. और grammar में मैंने आपको सिखाया था naming words हो गया, verbs भी हो गए, उसके adverbs भी हो गए. And this is my fourth topic, grammar, preposition. मैं आपको preposition सिखाने जा रही हूँ. What is preposition? Introduce करने जा रही हूँ two words, ing, o and on. तो चलिए मैं आपको explain करती हूँ बच्चा. Can you see one box over here? देखो ये pearl वाला chocolate का box है. तो हम अंदर से क्या निकालते हैं? ज्यादातर क्या होता है? Chocolate होती है, right? देखिए ये एक बॉक्स है. अगर ये चॉकलेट अंदर है, ये चॉकलेट मैंने बॉक्स के अंदर डाल दी, तो दैट इज कॉल्ड इन द बॉक्स. आया समझ में? क्या हो गया? इन द बॉक्स. ये चॉकलेट बॉक्स में है. अभी देखिए, दिस इज पार्ले जी बिस्किट का पैकेट. अगर ये भी अंदर बॉक्स में है तो हो गया सब इन द बॉक्स. ये सब क्या है? बॉक्स के अंदर है. इन इन द बॉक्स. आया समझ में? वैसे हम कोई भी चीज डाल सकते हैं बेटा. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अंदर क्या रखा है. शार्पनर, फिर क्या है, ब्लैक पेन, मार्कर पेन, फेविकॉल, देन माय पेन इज देयर, फिर अगेन बिस्किट पैकेट रख रही हूँ, अगेन मैं ये चॉकलेट रख रही हूँ अंदर, शार्पनर रख रही हूँ. एवरीथिंग इज इन द बॉक्स. ये सारी चीजें कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर. आया समझ में आपको? अगर देखिए बेटा, दिस इज माय बुक और ये बॉक्स है, और मैंने ये बुक बॉक्स के ऊपर रख दी, बॉक्स के ऊपर रख दी ये बुक मैंने, दैट इज कॉल्ड ऑन द बॉक्स. अभी इसको क्या बोलेंगे? ऑन द बॉक्स. जैसे कि देखिए, अभी मैंने आपको ये पार्ले जी का पैकेट दिखाया था, राइट? अभी मैंने पहले अंदर रखा था, अभी मैं ऊपर रख रही हूँ बॉक्स के ऊपर. कैन यू सी दिस? इट्स ऑन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स. ओके, सेम वे बच्चा देखिए, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ चॉकलेट, उसको मैंने बॉक्स के ऊपर रख दिया. यस, मैंने क्या किया? बॉक्स के ऊपर रख दिया. इट्स ऑन द बॉक्स. आया समझ में? तो दिस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन इन ऑन. अब ये इन और ऑन कौन से वर्ड्स है जो हमें पोजीशंस दिखाते हैं, जगह दिखाते हैं. देखिए चलते हैं, रिकैप करते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस. पिक्चर को देखिए और सेंटेंस को रीड करिए. द कैट इज इन द बॉक्स. कैट कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर. देखिए, द कैट इज इन द बॉक्स. वेर इज द कैट चिल्ड्रेन? कैट कहाँ पे है? विच वर्ड शोस द पोजिशन ऑफ द कैट? कौन सा वर्ड आपको कैट की पोजिशन दिखा रहा है? इन. आई एम इन. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द वर्ड इन? आपको अभी क्या समझ में आया? इन को हमें कब यूज करना है? अगर कोई भी चीज बॉक्स के अंदर हो या बैग के अंदर हो. आप लोग स्कूल बैग लेके आते हो ना स्कूल पे, तो बुक्स कहाँ पर रखते हो? इन द बैग, इन द बैग. आया समझ में? नाउ चिल्ड्रेन, द कैट इज इन द बॉक्स. वेयर इज योर कैट? द कैट इज इन द बॉक्स. विच वर्ड शोस अस द पोजिशन ऑफ द कैट? इन. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द वर्ड इन? कि वो हमें पोजिशन दिखाता है. ओके, लेट अस लुक एट द फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. चलिए देखते हैं. एक पॉट है और उसके अंदर एक गमला है जिसके अंदर हम फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? प्लांटेशन करते हैं. द फ्लावर्स आर इन द पॉट. फ्लावर्स कहाँ पे है? पॉट के अंदर. लुक, ऑल द फूड आइटम्स आर इन द रेफ्रिजरेटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर? फ्रीज. हम क्या बोलते हैं? फ्रीज. सब चीज फ्रीज के अंदर रखते हैं ना, सारी फूड आइटम्स. तो इट्स इन द रेफ्रिजरेटर. अभी देखिए, द मैन इज इन द
एक मैन है, आदमी है जो ब्लू कार के अंदर बैठ के कार को चला रहा है। ओके चलिए लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस। द बैग इज ऑन द चेयर। देखिए ये चेयर है कुर्सी और हमने बैग उसके ऊपर रख दी है तो ऑन द चेयर हो गया, चेयर के ऊपर। ओके वेयर इज द बैग। व्हिच वर्ड शोस अस द पोजीशन ऑफ द बैग। बैग कहाँ पे है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ओएन ऑन। ऑन से आप लोग ने क्या समझा, चलिए देखते हैं। वेयर इज द बैग। द बैग इज ऑन द चेयर। बैग कहाँ पे, चेयर के ऊपर। व्हिच वर्ड शोस अस द पोजीशन ऑफ द बैग ऑन। ऑन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑन। ऑन का मतलब है कोई चीज ऊपर रखना। ओके द पिलो इज ऑन द बेड। देखो ये बेड है और बेड के ऊपर पिलो है, पिलो यानी तकिया। ओके द बुक्स आर ऑन द टेबल। लुक योर टेबल इज देयर और उसके ऊपर सारी बुक्स रखी गई है डेस्क के ऊपर। नाउ लुक द स्लाइस ऑफ केक आर ऑन द प्लेट। अभी पेस्ट्रीज का पीसीस है वो प्लेट के ऊपर है, देखिए। नाउ चिल्ड्रन ओपन योर एसआर टू कॉन्सेप्ट टाइम। जैसे मैंने आपको एडवर्ब सिखाया था अभी मैं आपको प्रेपोजिशन सिखाऊंगी। ओपन योर एसआर बुक एंड कीप योर फिंगर चिल्ड्रन। आपकी फिंगर रखो। वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द पोजिशन एट ऑफ अ नेमिंग वर्ड आर कॉल प्रपोजिशन। बच्चा मैंने आप सबको नेमिंग वर्ड सिखाए थे, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। ये सारी चीजें कहाँ पे है, जैसे कि अभी मैंने सिखाया कैट यानी एनिमल हो गया। कैट इज इन द बॉक्स। ओके तो एनिमल को हमने यूज किया। देखिए ऑन द बेड। प्रिया और दोनों कहाँ पे सो रहे थे, बेड के ऊपर, तो ऑन हो गया। अभी इन द बॉक्स, ये बॉल कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर, तो इन हो गया। ओके वेयर इज द डॉग नियर द हाउस। ये हाउस के बाजू में है, देखो तो नियर हो गया। और इनटू कहाँ पे है, इनटू द वॉटर। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम जंप लगाते हैं राइट, पानी के अंदर, इसको बोला जाता है इनटू। लेकिन अभी मैंने आपको ओ एन ऑन और आई एन इन दो ही प्रेपोजिशन सिखाए हैं। चलिए बेटा दिस इज माई राइटिंग स्पीकिंग एक्सप्रेशन माई फिफ्थ सेक्शन। ओके ओपन योर नोटबुक जहां पे आपने ये ड्रॉइंग किया है। हमारा टॉपिक था थिंग्स आई डू इन माई स्कूल। तो मैंने बताया था कि एक बच्चा है बेंच के ऊपर बैठा है और वो राइटिंग कर रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है। तो उसी के ऊपर हमने ये सेंटेंस भी बनाए थे। दिस इज माई डेस्क। I write quickly. I walk slowly. I do not speak fast. मैं जोर से नहीं बोल सकता हूँ। इसी ड्राइंग को, इसी स्टोरी को और सेंटेंस में आप लोग नरेट कर सकते हो, बोल सकते हो और सोच सकते हो कि और क्या हो सकता है। ओके चिल्ड्रन आई एम आस्किंग यू टू क्वेश्चन। वॉट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर स्कूल। आपको आपके स्कूल के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कोई बताएगा मुझे, यस और नो। सोचिए एंड टेल मी इन द गूगल में आपको आपके स्कूल के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर स्कूल। ओके माय सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज योर फेवरेट प्लेस टू स्टडी इन स्कूल। स्कूल में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको स्टडी करने में बहुत मजा आता है। ओके विच इज योर फेवरेट प्लेस टू स्टडी इन स्कूल। ओके बच्चास नाउ स्पीक अबाउट योर ड्रॉइंग, स्पीक अबाउट योर सेंटेंसेस। ओके चिल्ड्रेन और आपको एसआर 16 ओपन करना है और उसपे से आपको होल वर्ड्स का रीडिंग करना है। दैट इज योर होमवर्क चिल्ड्रेन, दैट इज योर होमवर्क। Understood? SR 16.
practice of reading whole books. Till then, take care, bye bye, enjoy.